वहां पर रहूं जहां पे मेरी डिसीजंस मैटर करते हों, बी समथिंग जो एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़े, एक कंट्री पे इम्पैक्ट पड़े. क्या मैं उसके लिए रोल मॉडल हूँ, क्या मैं उसके लिए स्ट्रांग हूँ. आई थिंक वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट टू सी इज एडुकेशन. शुरू से मुझे बहुत ही इस चीज का शौक था कि मैं ड्राइविंग सीट में रहूं, मैं वहां पर रहूं जहां पे मेरे डिसीजंस मैटर करते हों, जहां पे मैं चीजें बिल्ड कर सकूं. तो बिजनेस फंक्शंस में मुझे बहुत इंटरेस्ट था और इसीलिए मैंने स्विच किया. एंड टू स्टे विद द टाइम्स, दुनिया बदल रही है और ऐसे रोल्स हो जहां पे आप एक पार्टिसिपेट कर सकें उस वर्ल्ड बिल्डिंग में, उस नेशन बिल्डिंग में. सो आई लव दोज रोल्स. इसलिए जो जर्नी अब तक की रही है और जिस तरफ जा रही है, मैं चाहूंगी कि मैं और ऐसे रोल्स में आऊं जहां पे मेरा काम नॉट ओनली इम्पैक्ट करे उस कंपनी में जहां पर मैं हूं. तो जो भी रोल रहे इन द फ्यूचर, आई वुड लाइक इट टू बी बियॉन्ड मी और बियॉन्ड द कंपनी. इट शुड ऑल्सो बी समथिंग जो एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़े, एक कंट्री पे इम्पैक्ट पड़े. एडुकेशन से ही इंसान की आइडेंटिटी बिल्ड होती है. वो समझ पाता है या समझ पाती है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या रोल है. आई थिंक वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट टू सी इज एडुकेशन. एंड क्या वो जॉब्स क्रिएट कर पा रहा है आपके लिए, दैट इज आई थिंक अ मोर इम्पोर्टेंट मेट्रिक टू लुक एट. इट्स ऑलमोस्ट लाइक शौकिया, आपको काम करना है तो आप काम कर लीजिए कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में इट्स अ रिक्वायरमेंट कि आप काम भी करिए और आप घर की भी पूरी जिम्मेदारी संभालिए. तो एक्नॉलेजिंग कि एक बेस लेवल, एक ग्रास रूट लेवल पे ये इशू है, मेरे हिसाब से एक काफी बड़ी समस्या है. मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी बेटी है. शी इज माई रियलिटी चेक. वो मुझे हमेशा अपने हर एक्शन को एक तरह से मैं स्क्रूटिनाइज करती हूँ कि क्या मैं उसके लिए रोल मॉडल हूँ, क्या मैं उसके लिए स्ट्रांग हूँ, क्या वो अपने आसपास एक इक्वल वर्ल्ड देख रही है. और वो मुझे बहुत ही रूटेड और ग्राउंडेड और सही दिशा में रखता है. किसी भी अपॉर्चुनिटी को बस हाँ बोलिए, डरिए मत. आप हाँ बोल दीजिए, ये मत सोचिए कि क्या मैं इसके लिए फिट हूँ, क्या मैं कर पाऊंगी. आदमी ऐसा नहीं सोचते, वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते. एंड दैट्स व्हाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशंस इन द वर्ल्ड हैव मेन इन देम. आई थिंक इट्स हाई टाइम कि विमेन भी ऐसा करें, कॉन्फिडेंटली इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लें, इम्पॉर्टेंट रोल्स लें और रिपरकशंस बाद में सोचें.